कभी कभी राजनीति इतनी हावी रहती है, और ये बात सही है, बार बार चुनाव का नतीजा है कि योजना पूरी बनी हो न बनी हो हम पत्थर जड़ देते हैं, फीता काट देते हैं, तख्ती लगवा देते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ? आप देखिए, हमें रेलवे के बजट में घोषणाएं बंद करनी पड़ी। अभी तो रेलवे का बजट मंजूर हो गया, लेकिन क्यों? जब मैंने देखा कि पुरानी सरकारों ने 1500 से ज्यादा ऐसी रेलवे की योजनाएं घोषित कर दी थी जिसको बाद में कोई देखने वाला ही नहीं, ऐसे ही हो गई घोषित। उस दिन हाउस में तालियां पड़ गई, किसी अखबार में छप गया, उस एमपी ने घर जाकर के माला पहन ली, बात पूरी हो गई। ये कल्चर से देश का बहुत नुकसान हुआ है। और आप हैरान होंगे जी, मैंने एक प्रगति टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इनिशिएटिव लिया और मैं खुद सारे रुके पड़े प्रोजेक्ट का रिव्यू करने लगा। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं ऑनलाइन, भारत सरकार के सभी सचिव होते हैं, और मैं ऑनलाइन सबके साथ बैठता हूं। आप हैरान होंगे जी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सामने आए हैं जो 30 साल 40 साल पहले तय हुए, शिलान्यास हो गया, बाद में कागज पर उसकी लकीर भी नहीं। ऐसे अब मैं एक एक को रिव्यू करना लगा, सब डिपार्टमेंट को इकट्ठा। मैंने ये नहीं कहा भाई पुरानी सरकार का मेरी क्या जिम्मेवारी, जी नहीं, आखिरकार ये देश है कंटिन्यूटी। सरकारें आए जाए, आप बैठे, कोई बैठे, दूसरा बैठे, तीसरा बैठे, हम कोई इसको तो रोक नहीं सकते, लोकतंत्र है। लेकिन सरकार में ये भाव से नहीं चलता भाई ये तो जयराम रमेश के समय हुआ था, नहीं मारो ताला, ऐसा नहीं होता है। हमें खोजा, आप हैरान होंगे, 9 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे मैंने अब तक क्लियर किए हैं। सारे मिनिस्ट्री को बिठाए, मैंने कहा भाई जो भी हो 30 साल 40 साल पुराने, अब यही प्रोजेक्ट उस समय हो गया होता तो शायद कुछ 1000 करोड़ों में हो जाता, लेकिन आज 9 लाख 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट बन गए। और इसलिए ये काम जो हम कर रहे हैं, सरकार आपने भी चलाई है, हम भी चला रहे हैं, और जो भी सरकार में बैठते हैं उनको चलानी ही होती है, उनके जिम्मे। लेकिन चीजों को अच्छे ढंग से चलाते, और ये जो और सब जगह पे पत्थर हैं, आप लोगों के नाम है सब है, अब तो शायद पत्थर लोग चोरी भी करके गए हैं, लेकिन क्रेडिट सब आपको जाता है, योजना है आपकी है जी। अब यहां